गॉड पावर चैनल में आप सभी साधक गणों का एक बार फिर से स्वागत है। अपराजिता से वशीकरण कैसे किया जाता है और इसका किन किन चीजों में तांत्रिक प्रयोग होता है, बहुत छोटी छोटी चीज है अपराजिता के विषय में जानकर आप लोग को हैरानी होगी। आइए दोस्तों जानते हैं अपराजिता के वशीकरण तांत्रिक प्रयोग। अपराजिता यह लता की तरह फैलती है। यह पौधा आपको पूरे भारत में कहीं भी देखने को मिल जाएंगे। इसमें आने वाले फूल के रंग अलग अलग होते हैं। कोई सफेद रंग का होता है जिसको विष्णु कांता भी कहते हैं, कोई नीला रंग का होता है जिसको कि कृष्ण कांता भी कहा जाता है। देखने में बहुत ही खूबसूरत है। इस फूल का प्रयोग सिर्फ पूजा पाठ में ही नहीं बल्कि तांत्रिक विद्या और जादू टोने टोटके में भी किया जाता है। घर से भूत प्रेत भगाने से लेकर धन संबंधी समस्या या फिर गृह दोषों को खत्म करने में भी यह फूल बहुत ही कारगर है। नीले रंग की अपराजिता यानी कृष्ण कांता जिसको कहते हैं, इसको कपड़े में लपेटकर किसी शनिवार के दिन किसी रोगी के गले में पहना दीजिए। इससे उसका स्वास्थ्य में सुधार होना शुरू हो जाएगा। साथ ही यदि अपराजिता के पत्ते के साथ नीम के पत्तों को मिलाकर उनकी धूप दी जाए या फिर इनका रस निकालकर उन्हें मिला दिया जाए और फिर नाक में टपका दिए जाए तो उससे भी काफी फायदा होता है। अगर किसी को बिच्छू काट ले तो उस मामले में भी यह जड़ी बूटी बहुत ही काम आती है। बिच्छू के काट लेने पर जिस जगह पर डंक किया हो उसके ऊपर से नीचे की तरफ श्वेत अपराजिता सफेद अपराजिता की जड़ को रखना चाहिए और फिर उसी तरफ वाले हाथ में इसकी जड़ को दवा दे देना चाहिए। ऐसा करने से कुछ समय के बाद विष उसका उतर जाता है। बहुत सी ऐसी विवाहित महिलाएं होती हैं जो चाहते हुए भी गर्भधारण नहीं कर पाती, ऐसे में नीली अपराजिता की जड़ कमाल की औषधि के रूप में काम आती है। इस नीली अपराजिता की जड़ को काली बकरी के शुद्ध दूध में पीसकर मिला लें। मासिक धर्म के खत्म होने के बाद स्नान करके इस दूध को पिला दें। इस दिन व्रत रखते हुए अगर पूरा दिन भगवान कृष्ण की बाल रूप की पूजा की जाए और रात को गर्भधारण के लिए पति के साथ सहवास करें तो गर्भधारण की संभावना बढ़ जाती है। यदि किसी के घर में भूत प्रेत की साया मंडरा रही हो तो शनिवार की रात्रि में नीली रंग वाली अपराजिता की जड़ को प्राप्त कर लें या सुबह में ही आप जड़ की व्यवस्था कर लें, उसे विधि पूर्वक सिद्ध कर लें। यहाँ सिद्ध करना, इसको आप अभिमंत्रित करना भी कह सकते हैं। किसी भी जड़ किसी भी पौधे को आप अभिमंत्रित कैसे कर सकते हैं इसका मैंने वीडियो दे रखा है, कृपया कर आप वीडियो को देखने की कोशिश करें। ऐसे मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद जिस भी व्यक्ति के ऊपर भूत प्रेत का साया हो उसके गले में इसे पहना दें। ऐसा करने पर घर में सुख शांति का वास होता है, भूत प्रेत का साया भी हट जाता है। अगर आपको लगे कि आपके घर में कुछ भी सही नहीं चल रहा है, नकारात्मक ऊर्जा ज्यादा ही घर में अशांति मचा रही है, तो ऐसे में एक सरल सा उपाय करें। सफेद रंग के फूल वाली अपराजिता की जड़ लें, शनिवार के दिन उसे नीले रंग के कपड़े में बांध लें और दरवाजे पर टांग दें। ऐसा करके जल्द आप देख सकेंगे कि घर में सकारात्मक ऊर्जा आने लगी है। धन से संबंधित समस्या, यह एक ऐसी समस्या है जो प्रत्येक घर में एक आम समस्या बन चुकी है। इस समस्या को दूर करने के लिए आप एक सरल सा उपाय कर सकते हैं। किसी भी रंग के फूल वाली अपराजिता की एक छोटी सी जड़ को लें, किसी भी रंग का ले लें, चाहे नीली हो चाहे सफेद हो, उसकी जड़ को ले लें, साथ में एक फूल भी लें और अब इन दोनों को चांदी की एक छोटी सी डिब्बी में रखकर उसकी पूजा करें और अपने घर के धन के स्थान पर रख दें। ऐसा करके आप जल्द देखेंगे कि धन संबंधित सारी समस्याएं हमारी खत्म हो रही है। यह बिल्कुल आजमाया हुआ है दोस्तों, इसे करें। अपराजिता औषधि के रूप में भी बहुत काम की है। यह पौधा न तो इंसानों को बल्कि जानवरों को भी विशेष फायदा देता है। अगर सफेद अपराजिता की पत्तियों को उसकी जड़ के साथ पीसकर बकरी के मूत्र में मिला दिया जाए और उनकी गोली बनाकर सुखा दिया जाए और उन्हें पशुओं को गले में बांध दिया जाए तो उसको किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होती है और न ही उन्हें कोई चुरा कर ले जाता है। बहुत छोटी छोटी चीज है अपराजिता के विषय में जानकर आप लोग को हैरानी होगी। अपराजिता की मदद से किसी को अपने बस में भी आप कर सकते हैं।
इसके तरीके को ध्यान से समझ लें। रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र दिया है, उस दिन इस क्रिया को करना है। अपराजिता के फूल ले आए और ग्रहण वाले दिन पुष्य नक्षत्र भी हो तो और भी अच्छा। अपराजिता की मूल जड़ को लेकर कृष्ण पक्ष की अष्टमी और चतुर्दशी को जब शनिवार या रविवार पड़े उस दिन सफेद रंग का कपड़ा पहनकर इनकी गोली बनाकर सुखा दें। जब भी प्रयोग करना हो तो इस गोली को घिस कर माथे पर इसका तिलक लगा लें। तिलक लगाकर आप जिसके सामने भी जाएंगे वह व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा। याद रखें, उस दिन पुष्य नक्षत्र हो या फिर कोई ग्रहण काल हो, रविवार का दिन हो या फिर अष्टमी व चतुर्दशी पड़े, उस दिन शनिवार या रविवार पड़े उस दिन इस क्रिया को करें। यह पौधा वास्तु की नजर से भी बहुत कमाल की चीज है। आप घर से किसी भी प्रकार की वास्तु दोष को खत्म कर सकते हैं। अपराजिता के फूल यदि भगवान गणेश को आप अर्पित करें तो आप पति पत्नी के बीच जो भी रिश्ता है वह बहुत ही उसमें सुधार होती है। और यदि किसी की शादी नहीं हो रही है तो भगवान गणेश को यह फूल को चढ़ाकर शादी के लिए दुआ मांगे और उनसे कहें कि हमारी मुराद को पूरी करे, यह जरूर पूरी होगी। दोस्तों, ये थी कुछ अपराजिता के तांत्रिक प्रयोग। आगे आने वाली वीडियो में भी मैं जड़ी बूटी के तांत्रिक प्रयोग के विषय पर कुछ बताने जा रहा हूँ, जिसे आप लोग देखने की कोशिश करें और बिल्कुल सरल उपाय बताऊंगा दोस्तों, जिसे आप कर सकते हैं। धन्यवाद।